Hello guys and welcome back to my channel of YouTube. So guys, आज का जो वीडियो है, ये असल में मेरी BMW M3 E46 scale model के ऊपर है. तो guys, जैसे कि मैंने बताया था, well तकरीबन दो तीन हफ्ते पहले मैंने एक BMW M3 E46 की scale model लाया था. Well मैंने एक नहीं, मैंने total चार लाया था. एक ये silver color की, एक दूसरा red color की, एक ब्लू कलर की और एक येलो कलर की. तो मैंने सारी कार की रिव्यू तो आपको पहले दिखा दिया था कि सब कार्स कैसी दिखती है. आई थिंक ये 130 स्केल की है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी साइज़ इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन हाइट इतनी सॉरी भी नहीं है. तो मैंने आपको दिखाया था कि ये सब डोर्स भी खुलते हैं, हुड भी खुलते हैं. मैंने तो कार की रिव्यू ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखा दिया था. तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने बताया था ये शिनसेई कंपनी की है, ये देखिए. तो क्योंकि मैंने आपको कार के रिव्यू तो दिखाई दिया है, और एक और चीज़ आपको ये याद होगा कि मैंने ये कार सिर्फ और सिर्फ मेरी BMW M3 E46 GTR मोस्ट वांटेड प्रोजेक्ट के लिए लाया था. तो इस कार को ख़रीदने का जो मेरा सपना था काफ़ी पुराना था, लेकिन मुझे कहीं में भी एक ऐसी सिल्वर कलर की M3 नहीं मिला था. तो इसीलिए मैं काफ़ी समय से प्रोजेक्ट को कम्प्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि जो मैंने पेपर मॉडल की जो M3 GTR मोस्ट वांटेड बनाया था वो बहुत ही लो क्वालिटी था. यानी कि मैंने आपको दिखाया था कि कार इतनी बेटर नहीं था. वेल इसकी जो बॉडी शेप है काफ़ी रॉन्ग था ओरिजिनल कार से. तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं उस कार में और काम नहीं करूँगा, और कहीं से एक बस इतनी हाई क्वालिटी नहीं लेकिन हाँ एक एस्यूरेट क्वालिटी की M3 E46 की स्केल मॉडल लाऊँगा, वो भी सिल्वर कलर की, ताकि मैं उसे बिल्कुल नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की M3 GTR की तरह मॉडिफाई कर पाऊँ. तो गाय चलिए इसे अनबॉक्स कर देते हैं. हाँ तो ये हो चुकी है अनबॉक्स. चलिए इस बॉक्स को इस तरफ रख देते हैं. तो हाँ, ये है वो कार. आपने शायद अगर आपने मेरी पिछली वीडियो द BMW M3 E46 स्केल मॉडल रिव्यू को देखा है तो शायद आपको इस ये कार मतलब इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा. मुझे मेरे पास ऐसे टोटल चार है, ये सिल्वर कलर की मैंने बताया था, एक रेड, ब्लू और एक येलो भी है, बिल्कुल ऐसे सेम मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में. तो इन कार्स की जो है, अगर किसने मेरी पिछले वीडियो को नहीं दिखाया है तो मैं इस कार का रिव्यू एक और बार दे देता हूँ. जैसे हुड भी खुलती है, दरवाजे वगैरह सब कुछ खुलती है, हाँ बस यही नहीं खुलता है डिक्की. अंदर एक छोटी सी V8 मोटर भी है. यहाँ लाइसेंस प्लेट में लिखी है BMW M3. तो जैसे कि मैं बताया था ये कार ऑलरेडी मतलब गुड क्वालिटी की ही है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सब पार्ट्स है, ये देखिए ये सब स्टिकर की है, और ये सब देखिए सब कुछ भी मतलब ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है. यहाँ पीछे की वर्ड मार्क भी रॉन्ग है भाई, सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन तो ये सब वेंस वगैरह आप देख सकते हैं ये सब स्टिकर की है. ये सब देखिए ये सब पूरा स्टिकर है, ये सब ग्रिल वगैरह. तो इसीलिए आप जो मुझे करना होगा वो ये है कि इसके ऊपर पूरी तरह से ब्लू रैपिंग करना होगा. ओह तो मेरे पास ब्लू रैपिंग ऑलरेडी है, जो मैंने मेरी स्काईलाइन प्रोजेक्ट में जो इस्तेमाल की है. शायद आपको कैमरे में इसकी कलर को ज़्यादा लाइट ब्लू दिख रहा होगा ये जगह, पर ये असल में डार्क ब्लू है. ये कैमरे ये असल में मेटलिक ब्लू है, जिसकी वजह से इसकी कलर थोड़ी डिफरेंट दिख रही होगी. तो ये होगा वाओ. आपको शायद कैमरे में कलर कुछ ज़्यादा ही मतलब वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में काफ़ी कूल रैपिंग है मैं आपको बता रहा हूँ. तो यह रूप में भी ये फिर होगा जैसे कि इस तरह से, और सारी जो स्ट्रैपिंग है. अगर किसने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड गेम को खेला है तो उन्हें इस कार के बारे में मतलब ओरिजिनल M3 GTR कार के बारे में तो ऑलरेडी पता होगा कि वो कार कैसी दिखती है. लेकिन अगर फिर भी किसने खेला नहीं है तो मैं उन्हें गेम को ख़रीदने के लिए तो मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन आप गूगल में जाकर सीख कर सकते हैं कि वो कार कैसी दिखती है. तो गाइस वैसे एंड्रू क्लेवल ये ऐप, वो वैसे भी एक ओरिजिनल M3 E46 को बिल्कुल नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की तरह बनाने की कोशिश करे हैं. वो शख्स असल में उस M3 को तकरीबन एक सालों से काम कर रहा है, एक साल से भी ज़्यादा हो गया है शायद, और कुछ समय बाद 2 साल हो जाएगा. आप उनके चैनल जाकर वीडियो देख सकते हैं. पर असल में इस कार को बनाने का इंस्पायरेशन भी मुझे उनसे ही मिला, जब मैंने उनकी M3 देखा कि वो एक नॉर्मल ब्लैक कलर की M3 E46 को बिल्कुल ओरिजिनल GTR की तरह मॉडिफाई करने की कोशिश करे हैं. तो उनसे ही मुझे इंस्पायरेशन मिला कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगा. और
फिर मैंने मेरी वो जो पेपर मॉडल कार था उसमें काम शुरू किया था, लेकिन फिर मेरे तो बता रही है कि वो कार इतनी प्रॉपर नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं से भी जो हो जाए एक ऐसी M3 E46 की स्केल मॉडल लाऊंगा सिल्वर कलर की, और फिर उसमें रैपिंग करके इसे GTR जैसी बनाऊंगा। तो वैसे फिलहाल तो मैं इसमें काम शुरू नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हाँ क्योंकि एक बार आप जानते हैं कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करने की सोचता हूँ उससे पहले मैं एक अच्छी प्लान बना लेता हूँ, क्योंकि बिना प्लान के हर कोई चीज़ बहुत ही उल्टी पुल्टी हो जाता है, तो इसीलिए प्लान करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तो जो मैं करने वाला हूँ वो है कि इन सब हिस्से को सब स्टिकर्स को निकाल दूंगा और उनकी जगह मैं ओरिजिनल क्रोम और ब्लैक वाली पार्ट्स लगा दूंगा। वो सब मुझे खुद हाथों से बनाना होगा, ये सब निकालना होगा साइड में, ये सब सब कुछ निकालना होगा। और इन रिम्स के बारे में मैं अब नहीं जानता मैं इनका क्या करूँगा, क्योंकि ये तो रिम है आप देख सकते, इसकी डिज़ाइन तो वैसे ओरिजिनल M3 GTR जैसी ही है, ये देखिए काफ़ी आइडेंटिकल है, लेकिन अब इसकी कलर आप देख सकते हैं एकदम वाइट है, तो इसीलिए इनका भी कुछ करना होगा। मैं इससे हो सकता है कि मैंने बदल दूँ, बाकी ये सब वर्ड मार्क्स वगैरह सब कुछ निकाल देना होगा, ये सब बैजेस वगैरह तो ये तो ओरिजिनल BMW की लोगो ही है, और ये नंबर प्लेट तो वैसे भी परफेक्ट ही है, और मैं शायद इन्हें भी निकाल दूंगा क्योंकि ओरिजिनल कार में ये सब था नहीं, मैं इन्हें यहाँ पर लगा दूंगा। तो गाइस इस कार में मैं ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन तो कर नहीं सकता क्योंकि बॉडी के वो वैल इतनी प्रॉपर नहीं होगा अगर मैं उसे कागज़ से बनाऊंगा तो इसलिए वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी GTR की तरह ये सब मसल्स ओरिजिनल ही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक स्कर्ट्स लगाना होगा, साइड स्कर्ट्स, सामने की बम्पर में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा, पीछे की बम्पर में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बस ये एग्जॉस्ट पाइप्स निकाल देना होगा और ये वाला हिस्सा थोड़ी मोटी कर देना होगा, स्पॉयलर भी लगाना होगा पीछे वो जब बड़ी कार्बन स्पॉयलर, रूफ ब्लू होगा, सब स्ट्राइपिंग वगैरह सब कुछ, हुड में सब कुछ होगा, और यहाँ पर विंडोज़ में कुछ डिज़ाइनिंग ब्लैक डिज़ाइनिंग करना होगा, और बस इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा मॉडिफिकेशन करूँगा तो कार का लुक जो है वो ब्लैक इटसेल्फ ख़राब हो जाएगा। तो सर गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कार में कितना तक काम शुरू किया, मैंने क्या कुछ चेंज किया, क्या कुछ बदल दिया, और अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ तो चले गाइस क्योंकि वीडियो को वैसे भी हम एंड करने वाले हैं, तो चले गाइस वीडियो को एंड करने से पहले कार का एक छोटी सी रिव्यू ले लेते हैं। हाँ